सावन के पावन सोमवार की ही कर लेते हैं। सावन के पावन महीने का आज दूसरा सोमवार है और सोमवती अमावस्या का स्नान भी आज है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं, हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं। वहीं आज सोमवती अमावस्या के स्नान की वजह से पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। तो देख सकते हैं हर की पैड़ी की ये तस्वीर, गंगा स्नान के लिए भी आज भीड़ लगी हुई है हरिद्वार में। हर की पैड़ी पर आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। बम बम बोले के जयकारों के साथ जलाभिषेक भी आज किया जा रहा है। और चलिए सीधा आपको हरिद्वार लिए चलते हैं। पुलकित शुक्ला मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पुलकित, किस तरह की तस्वीर आज देखने को मिल रही है, क्योंकि सोमवती अमावस्या का स्नान भी है और आज सावन का दूसरा सोमवार भी है। आज बिल्कुल देखिए, आज सोमवती अमावस्या का स्नान भी है, बड़ा स्नान ये माना जाता है। और उसके अलावा जो सावन महीना चल रहा है तो सावन महीने के सोमवार भी, तो आज सावन का सोमवार भी है। तो एक तरफ सावन का सोमवार है, दूसरी तरफ सोमवती अमावस्या का स्नान है और भक्तों का जो सैलाब है, श्रद्धालु का सैलाब है, वो दोनों ही तरफ उमड़ रहा है। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर की बात करें या हर की पैड़ी की बात करें, दोनों ही जगह पर देखा जा रहा है कि हरिद्वार में धर्मनगरी का जो वातावरण है वो पूरी तरह से आज भक्ति में नजर आ रहा है। और उसके अलावा यहाँ दक्षेश्वर मंदिर पर हम यहाँ पर मौजूद हैं, हर की पैड़ी की भी तस्वीरें हमने दिखाई और हर की यहाँ दक्षेश्वर महादेव मंदिर पर भी हम मौजूद हैं। तस्वीरें यहाँ की भी दिखानी चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ जो भक्तों की जो लाइन है, जो श्रद्धालुओं की लाइन है, वो किस तरह से यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है। और सुबह 4 बजे से यहाँ पर यह सिलसिला जो है शुरू हो गया था, सुबह 4 बजे से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए यहाँ पर जो है अंदर मंदिर के अंदर पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। पुलिस की व्यवस्था भी यहाँ पर तैनात की गई है ताकि जो व्यवस्था है वो बनी रहे, लोग लाइन से आगे चलते रहे और किसी भी तरह की अव्यवस्था यहाँ पर मंदिर में ना फैले, क्योंकि दक्षेश्वर महादेव मंदिर जो है इसका खास महत्व है। हरिद्वार का ये सबसे प्रमुख शिवालय है, भगवान शिव का जो मंदिर है दक्षेश्वर महादेव ही हरिद्वार का है। और दक्षेश्वर महादेव मंदिर के पीछे मान्यता है कि भगवान शिव की ससुराल इस मंदिर को कहा जाता है और एक सावन के एक महीना भगवान शिव खुद यहाँ पर विराजते हैं और यहीं से जो है सृष्टि का संचालन करते हैं, भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो दूर दूर से पहुंचते हैं, ना सिर्फ स्थानीय श्रद्धालु बल्कि बाहर से आए हुए जो लोग हैं, जो हरिद्वार आते हैं, वो भी दक्षेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। कुछ भक्त भी श्रद्धालु भी हमारे साथ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरह की मन में वो भावना लेकर आज मंदिर पहुंचे। भैया कहां से आप आए? क्या भैया? मैं कनकल से दुर्गेश वर्मा, पाड़ी बाजार। आज दक्षेश्वर महादेव मंदिर आप आए हैं, देख रहे हैं यहाँ पर काफी लंबी लाइन लग रही है, क्यों यहाँ पर इतनी लंबी लाइन लगती है, क्या मान्यता है? भैया ऐसी मान्यता है पुराणों में कि भगवान शिव की ससुराल है एक तो, और दूसरी बात यह है भगवान शिव ने राजा दक्ष को यह वरदान दिया था कि सावन के पूरे माह मैं एक महीने यहीं विराजमान रहूंगा और इसी के चलते पूरी सृष्टि का संचालन महादेव यहीं से करते हैं, ऐसा पुराणों में वर्णन है। और इसी के चलते यहाँ पर सुबह से ही लंबी लाइनें लगती है, सावन के दिनों में तो भयंकर भीड़ रहती है। और सोमवार को देख रहे हैं आप, अभी भी लाइन लंबी लगी हुई है, सुबह 4 बजे से मंदिर खुला हुआ है, लोग अपनी मनोकामना के लिए दूध बेलपत्री जल पुष्प शहद दुबड़ा वगैरह इत्यादि भोलेनाथ को चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। लगातार ये तस्वीरें भी दर्शकों तक हम लोग पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और सावन का क्योंकि आज दूसरा सोमवार है और हर हर महादेव की गूंज भी सुनाई दे रही है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं, उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है जिससे कि कई इलाकों में तबाही भी हुई है। वहीं देहरादून उत्तराखंड में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। देहरादून मसूरी चमोली नैनीताल और साथ ही यूएस नगर के इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड होने को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम केंद्र ने यह अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 19 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो देखिए 19 जुलाई तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि कई इलाकों में लैंडस्लाइड की चेतावनी, लैंडस्लाइड की वजह से भारी मलबा आ जाता है जिसकी वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं। हालांकि जो यात्री वहां पर पहुंचते हैं उनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। और अगली खबर है देहरादून से। बाढ़ प्रभावित हरिद्वार में राहत बचाव कार्य जारी है। 72 गांव अभी भी प्रभावित हैं बाढ़ की वजह से। राहत शिविरों में 81 परिवार पहुंचा दिए गए हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। सेना समेत कुल 574 जवान जुटे हुए हैं रेस्क्यू में। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से नदी नाले उफान पर होने के बावजूद यहाँ पर लोग नदी को पार करते नजर आए। और 72 गांव अभी भी ऐसे हैं जहां पर अभी भी बाढ़ का प्रभाव देखा जा रहा है। देहरादून से सुनील और प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख करते हैं। अच्छा सुनील, हम देख रहे थे कि पहले भी लगातार लोगों को राहत बचाव कार्य लोगों को पहुंचाया जा रहा था राहत शिविरों तक और राहत बचाव कार्य जारी था। अभी क्या स्थिति है, कहा जा रहा है 72 गांव अब भी बाढ़ प्रभावित माने जा रहे हैं?
देखिए हरिद्वार में अभी भी राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। वहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जो लोकल पुलिस है और इसके साथ साथ करीब 200 के आसपास सेना के जवान भी लगातार राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। करीब 72 गांव अभी भी प्रभावित हैं। 450 से अधिक लोगों को सकुशल वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, और कल आपने देखा कि श्रीनगर में जब अलकनंदा का जलस्तर बढ़ा तो वहाँ पर जीवी के डैम से पानी छोड़ा गया, 2000 से 3000 क्यूमेक्स वाटर वहाँ से छोड़ा गया। तो देर शाम तक जब वो ऋषिकेश और हरिद्वार में पहुँचा तो अचानक यहां भी गंगा का लेवल बढ़ा और भीमगोड़ा बैराज का एक गेट क्षतिग्रस्त होने के बाद स्थितियां एक तरह से बिल्कुल विपरीत हो गई थी। वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था, शासन से भी निर्देश दिए गए थे। अभी जो ताजा अपडेट हमारे पास है, हरिद्वार में गंगा का जो वाटर लेवल है, वार्निंग लेवल है, वो 293 मीटर के आसपास है। अच्छी खबर यह है कि 291 पे ये वाटर लेवल अब पहुंच गया है, यानी कि डाउन हुआ है। तो इससे निचले इलाकों में जो भीमगोड़ा बैराज के बाद करीब हरिद्वार के 30 के आसपास गांव है जहां पर एक खतरा मंडरा गया था कि वहां पर फ्लड की स्थिति पैदा हो गई थी, वहां पर हम कह सकते हैं कि एक तरह से राहत लोगों को मिलेगी। इसके साथ साथ हरिद्वार के खानपुर और लक्सर ब्लॉक में जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे सोलानी नदी के तटबंध टूटने के बाद, वहां पर भी अभी राहत एवं जो काम है वहां पर राहत का कार्य लगातार चल रहा है। प्रशासन की टीमें वहां पर राहत पहुंचा रही हैं। लेकिन जिस तरह से आज का अलर्ट है, एक बार फिर शासन की ओर से ये निर्देश जारी किए गए हैं, खासकर नैनीताल, उधम सिंह नगर, चमोली, देहरादून और मसूरी के लिए, कि यहाँ पर लोग खासी एहतियात बरतें। हालांकि अभी मौसम साफ है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा यहाँ पर धूप लगी हुई है, लेकिन अभी कई इलाकों में सुनील क्योंकि मौसम तो साफ है, लेकिन एक ये भी आप बताइएगा क्योंकि प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की जा रही है और जो वहां पर स्थानीय लोग हैं उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुनील देखिए, मॉनसून सीजन के मद्देनजर प्रशासन की जो तैयारियां की गई थी, खासकर अगर हम हरिद्वार की बात करें तो वहां पर लगातार राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने वहां का दौरा किया, सचिव आपदा प्रबंधन ने वहां का दौरा किया और तमाम प्रशासनिक टीमें हरिद्वार में जुटी हुई हैं। भीमगोड़ा बैराज की जो ताज़ा अपडेट है कि वहाँ पर स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है। गढ़वाल और कुमाऊँ के लिए 2 अलग अलग हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं कि यदि कोई विपरीत स्थिति बनती है, कोई आपात स्थिति बनती है, तो लोगों को फौरी तौर पर वहाँ पर मदद पहुँचाई जा सके। इसके अलावा स्टेट में जो डिजास्टर कंट्रोल रूम है, इसके द्वारा पल पल की जानकारियां ली जा रही है कि कहां पर क्या स्थिति है। लगातार जो अभी हरिद्वार, भीमगोड़ा, बैराज की मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं, अपडेट बता रहा हूं, तो स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम की है, लगातार संपर्क बने हुए हैं जिलों के। बिल्कुल, एहतियात जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं गंगा के बढ़े हुए जलस्तर के बीच हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज का एक गेट टूट गया है जिसमें डाउन स्ट्रीम में तेजी से पानी भर रहा है। श्रीनगर बैराज से पानी छोड़ा गया है जिसके चलते हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर गंगा चेतावनी के निशान पर बह रही है। ऐसे में भीमगोड़ा बैराज का गेट नंबर 10 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर बाहर आ गया है। हालांकि विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि बैराज का ये क्षतिग्रस्त गेट पहले से ही बदले जाने की प्लानिंग थी और इसके टूट जाने से किसी भी तरह का कोई खतरा फिलहाल नहीं है। वहीं गंगा का जलस्तर बढ़ने और बैराज का गेट टूटने के बाद गंगा तटीय क्षेत्रों में लोगों को सावधान रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये जैसे इसको ऑपरेट कर रहे थे इसका रास्ता टूटा और ये निकल के बाहर आ गया। टूटा नहीं है ये, अच्छा। अभी भी बाहर आया है केवल, कोई इससे कोई नुकसान नहीं है। फ्लड की वजह से वो गेट यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया, अब वही आगे यहाँ नया गेट लगेगा। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। वहीं गंगा में पानी बढ़ने से त्रिवेणी घाट पर आरती स्थल पानी में डूब गया है। इसके साथ ही परमात की शिव मूर्ति तक भी गंगा का पानी पहुंच गया है। गंगा ने वार्निंग लेवल को पार कर दिया है। चमोली में बद्रीनाथ धाम में मूसलाधार बारिश हुई है जिसकी वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अलकनंदा नदी के जलस्तर बढ़ने से बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्यों के तहत कार्य चल रहे हैं और सुरक्षा दीवार के कार्य भी बाधित हो गए हैं। वहीं अलकनंदा नदी का पूरा पानी धर्मपाल और तर्पण स्थल तक पहुंच गया है जिससे कि ब्रह्म कपाल में मौजूद तीर्थ पुरोहितों की चिंता भी बढ़ गई है। चमोली में मलारी से 9 किलोमीटर आगे ग्लेशियर टूटने के बाद धौली नदी उफान पर है और भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क भी बह गई है। बीआरओ के अधिकारियों की माने तो अतिवृष्टि से और ज्यादा नुकसान हो सकता है। चमोली में बारिश से कई जगहों पर हालात खराब हो गए हैं, कई जगह पर सड़कें टूट गई हैं और कई जगह पर भूस्खलन मुसीबत बना हुआ है।
पिथौरागढ़ में टनकपुर तवाघाट नेशनल हाईवे पर एक बार फिर से भारी लैंडस्लाइड हुआ है। बॉर्डर के इस अहम नेशनल हाईवे पर पूरी पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गई। नया गांव के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड होने से हाईवे पूरी तरीके से बंद हो गया। काली नदी के ठीक ऊपर बने इस हाईवे में इतना भारी लैंडस्लाइड हुआ है कि मलबा रोड को पार करते हुए नदी तक जा पहुंचा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे ही देर से पहाड़ी से भारी मलबा जो है वो सड़क पर आ गया। उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में मॉनसून सीजन में बारिश का ट्रेंड बदला है और इसकी एक बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज है, ऐसा कहना है वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का। वैज्ञानिकों की एक टीम बारिश के इस बदले ट्रेंड की स्टडी कर रही है, जिसमें कई चौंकाने वाले फैक्ट्स भी सामने आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 2013 की आपदा से लेकर 2019 में आरकोट, 2021 में आई रैणी आपदा का आंकलन रहा है कि एक ही एरिया में एक ही समय में ज्यादा बारिश। इस तरह की बारिश जो तांडव मचा रही है उसका नुकसान ज्यादा है। मौसम वैज्ञानिक से लेकर भू वैज्ञानिक तक मान रहे हैं कि बारिश का ये एक नया ट्रेंड है जो न सिर्फ उत्तराखंड में महसूस हो रहा है बल्कि पूरी हिमालयन बेल्ट में दिख रहा है। वाडिया इंस्टीट्यूट के भू वैज्ञानिक मान रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी एक्सट्रीम रेनफॉल की कंडीशन बन रही है और ये न सिर्फ भारत में हो रहा है बल्कि विदेशों में भी इसका असर है। केमिकल गैस का उत्सर्जन, पेड़ों का कटना और निर्माण कार्य का तेजी से होना अपना असर 15 से 20 साल बाद तक दिखाता है और इसी तरह के उसके इम्पैक्ट होते हैं। हम जो ये देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं कि जैसे कि किसी प्रांत में अचानक से इतनी तेज, थोड़े ही दिनों में इतनी तेज बारिशों की सड़क भी टूट गई और मलबा भी नीचे गिरा, तो ये एक फिनोमेना, ये एक क्लाइमेटिक चेंज का इम्पैक्ट। जबकि मौसम वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सिस्टम में बदलाव दिख रहे हैं और बारिश का एक साथ एक ही एरिया में तेजी से होना दिख रहा है। जो इस तरह का इंट्रैक्शन तो आपको मानसून के शुरू में मिलता है, तब तक WDB उसको नॉर्थवर्ड शिफ्ट एक होती है और इधर से मानसून की शुरुआत होती है, तो जून में इस तरह की एक्टिविटी जनरली मिलती है। इसी तरह आप देखें जब पोस्ट मानसून की जब हम अप्रोच करते हैं, मानसून खत्म होने पे होता है, तो तब भी इस तरह की चीजें ज्यादा देखने को मिलती है, पर मिड मानसून में कम मिलती है। इस बार ये तो करीब करीब मिड मानसून में जो ऐसी सिचुएशन ही दिखी है। यानी हिमाचल में आई आपदा से लेकर उत्तराखंड में बारिश का बदला मिजाज सचेत कर रहा है कि अब अलार्मिंग सिचुएशन दस्तक दे रहा है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। केदारनाथ से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिर के भीतर मोबाइल फोन पर प्रतिबंध रहेगा। हाल ही में वायरल हुए कई वीडियो के बाद ये फैसला लिया गया है। मंदिर परिसर में लगाए गए हैं चेतावनी बोर्ड। मंदिर परिसर में फोटोग्राफी पर भी रोक लगा दी गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब केदारनाथ मंदिर के ठीक बाहर एक युवती ने अपने प्रेमी को रिंग पहनाते हुए नजर आई है, प्रपोज करते हुए नजर आई है और ये वीडियो काफी वायरल हुआ। उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि अब मंदिर परिसर में फोटोग्राफी पर भी रोक लगा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर आ रही है जहां पर आज सीएम धामी कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करने वाले हैं। 10:30 बजे कानून व्यवस्था को लेकर ये मीटिंग होगी और गृह विभाग के साथ सीएम आवास में ये मीटिंग रहेगी। 11 बजे ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी को लेकर यह मीटिंग रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री की वर्चुअल मीटिंग में मौजूदगी रहेगी, यानी कि शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री वर्चुअल मीटिंग में शामिल होंगे। 1 बजे किसान सम्मान एवं लाभार्थी योजना कार्यक्रम होना है। निरंजनपुर में आयोजित प्रोग्राम में शामिल होंगे सीएम और कानून व्यवस्था को लेकर अहम बैठक करेंगे। 10:30 बजे कानून व्यवस्था को लेकर बैठक होगी। गृह विभाग के साथ सीएम करेंगे बैठक और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। सीएम के निर्देश के बाद हरकत में आए मंत्रियों ने अब अपने अपने प्रभारी जिलों की सुध लेनी जो है वो शुरू कर दी है। प्रभारी मंत्री गणेश जोशी उधम सिंह नगर पहुंच गए हैं तो मंत्री सतपाल महाराज भी 17 जुलाई को दिल्ली से लौट रहे हैं। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि हर बार सीएम के निर्देश के बाद मंत्री क्यों जागते हैं।
उत्तराखंड में ऐसे एक दो नहीं कई मौके आए जब या तो मुख्यमंत्री को या फिर बीजेपी संगठन को मंत्रियों को प्रभारी जिले में जाने को कहना पड़ा। ये अलग बात है कि ये निर्देश भी ज्यादा दिन तक असर नहीं कर पाया। नतीजा मुख्यमंत्री को हर बार फ्रंट फुट पर आकर मोर्चा लेना पड़ा। जोशीमठ आपदा में भी सीएम को खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर कमान संभालनी पड़ी थी। चारधाम यात्रा शुरू हुई तो विभागीय मंत्री सतपाल महाराज उत्तराखंड में ही मौजूद नहीं थे। नतीजा सीएम को चारों धामों के लिए नोडल अफसर नियुक्त करने पड़े। अब जब मॉनसून कहर बरपा रहा है तो मंत्री अपनी विधानसभाओं से बाहर नहीं निकल पा रहे। नतीजा एक बार फिर मुख्यमंत्री को मोर्चा संभालना पड़ा है। जुलाई महीने में बीजेपी के मात्र दो मंत्री अपने प्रभारी जिले में पहुंचे। पहले धन सिंह रावत 7 जुलाई को अल्मोड़ा दौरे पर थे। दूसरे सुबोध उनियाल इसी हफ्ते देहरादून के आपदाग्रस्त माल देवता क्षेत्र के निरीक्षण पर थे। वहीं सीएम के निर्देश के बाद मंत्री गणेश जोशी रविवार को अपने प्रभारी जिले उद्धम सिंह नगर पहुंच गए। इसके बाद ही मंत्री सौरभ बहुगुणा और रेखा आर्य 20 जुलाई के बाद प्रभारी जिले में जाने वाली हैं। क्योंकि जितना मंत्री लोग हेल्प कर सकते हैं और लोग नहीं हेल्प कर सकते उनके थ्रू काफी काम हो जाता है तो उसका जरूरत है। उन लोगों को हो सके तो रहना चाहिए। बाटपुर के एक गांव में फ्लड आया था लेकिन 72 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। मैं खुद मौके पर जा रहा हूँ और वहाँ भी जो भी बेहतर होगा वहाँ की आवाम के लिए हमारी सरकार उनके साथ में खड़ी है। मुख्यमंत्री जी खुद हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये बात अलग है कि मंत्रियों के इस मूवमेंट पर बीजेपी प्रदेश नेतृत्व से लेकर केंद्रीय नेतृत्व भी नजर बनाए हुए है। कौन मंत्री कब कहां दौरे कर रहा है, यहां तक कि सोशल मीडिया पर मंत्रियों के बयान, उनकी एक एक एक्टिविटी का पूरा लेखा जोखा रखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता के कार्यशैली, उसके काम करने का तरीका और पार्टी के लिए कितना समय दे रहा है, इन सब बातों पर विचार होता है। सबका हर कार्यकर्ता पे संगठन की नजर रहती है और उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको जिम्मेदारी दी जाती है। और जहां तक माननीय हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद जी हों, विधायक जी हों, सभी लोगों के कामकाज पे पार्टी की नजर रहती है। उत्तराखंड में आने वाले महीनों में निकाय से लेकर विधानसभा उपचुनाव और फिर लोकसभा चुनाव भी है और इन सब के बीच कैबिनेट विस्तार भी प्रस्तावित है। सूत्रों की माने तो मंत्रियों का यह लेखा जोखा उनकी परफॉर्मेंस कार्ड में दर्शाया जाएगा। बीजेपी का हालिया रिकॉर्ड बताता है कि इसी परफॉर्मेंस कार्ड के आधार पर बीजेपी कई चौंकाने वाले फैसले करती रही है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देशों के बाद प्रभारी मंत्री अब जिलों के दौरों की शुरुआत कर रहे हैं। रविवार को उधम सिंह नगर में प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर डिग्री कॉलेज में बने राहत शिविर में पहुंचकर 42 आपदाग्रस्त परिवारों को 5,000 रुपए के चेक दिए। पिछले दिनों काशीपुर में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे जिसकी वजह से लोगों को शिफ्ट किया गया है। परिवार लगभग 225 लोगों को यहां पर शिफ्ट किया गया है। सरकार इनकी रहने खाने भोजन दवाई सारी व्यवस्था यहां पर कर रही है। डॉक्टर्स यहां पर हैं, हमारे अधिकारी यहां पर हैं। केदारनाथ हेली सर्विस के नाम पर ठगी करने वाली टीम के मुखिया को एसटीएफ ने बिहार से गिरफ्तार किया है। बिहार के नवादा में आरोपी की लोकेशन एसटीएफ को मिली थी जिसके बाद टीम ने आरोपी नीरज कुमार को गिरफ्तार किया है। वहीं नीरज के साथ दो लोग पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जो साइबर क्राइम की जो मेन गढ़ है, अगर हम मेवात रीजन बोल लें या जंतारा बेल्ट हो गया या नवादा नालंदा हो गए, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पे आज भी इस प्रकार के जो मेजर साइबर क्राइम्स हैं जहां पे बैंक द्वारा या वॉलेट द्वारा संगठित तौर पे इनका इस्तेमाल करके किया जा रहा है। साथ में जो कॉलर्स हैं, कॉलर्स को हमने देखा है कि अब ये हर राज्य में लगभग ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं कि कोई पुणे से कॉल करता है, कोई बेंगलोर से कॉल करता है, तो इस प्रकार से जो सिम नंबर है वो आवंटित होकर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और छोटे छोटे अब साइबर क्राइम के जो गढ़ हैं वो अलग अलग राज्यों में बन रहे हैं। और यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आगे की खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने न्यूज 18 के साथ।